अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू कसूर किचन। ये आज मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ आलू और कीमा। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त बनता है, टेस्टी बनता है। तो मेरे आने वाले नए तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स ज़रूर करें और बेल आइकन का बटन दबाएँ ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो जो है वो आपको टाइम पर मिल सके। तो जी दोस्तों, आलू और कीमा बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें मैंने आधा किलो जो है कीमा लिया है और चार छोटे साइज़ के मैंने प्याज जो है उनको छोटा छोटा काट लिया है और तीन मैंने जो है आलू लिए हैं। इनको ना मैं ज़्यादा बारीक काटा है ना ही मोटा, दरमियाने साइज़ के मैंने ये देखिए आलू काट लिए हैं। तो इससे क्या होगा कि ये कीमे के अंदर जब हम डालेंगे तो ये जो है मिक्स नहीं होंगे। और ये मैंने एक प्याली दही ली है और मसालों में मैंने कुटी हुई लाल मिर्ची ली है, धनिया पाउडर एक चाय का चम्मच लिया है, गरम मसाला एक चाय का चम्मच लिया है और ये नमक लिया है एक चाय का चम्मच, हल्दी मैंने एक चाय का चम्मच लिया है और ये ज़ीरा मैंने एक चाय का चम्मच लिया है और ये मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट जो है एक चम्मच बड़ा लिया है और ये मैंने तेल लिया है आधा कप और ये मैंने पुदीना लिया है और ये सब्ज़ी मिर्ची मैंने जो है वो बारीक बारीक काट लिया है, 8 से 10 लिए हैं इनको बारीक बारीक काट लिया और ये मैंने सब्ज़ धनिया ली है और ये अदरक ली है मैंने, इसको हम छोटे छोटे पीस करके बारीक बारीक काटेंगे इसको। तो जी दोस्तों चलते हैं इसको बनाने के लिए। जी ये देखिए मैंने बर्तन को चूल्हे के ऊपर रख दिया, अब इसको ऑन करते हैं। बिस्मिल्लाह, आपको मैंने ऑन कर दिया है बर्तन को गर्म करते हैं। जी हमारा बर्तन जो है वो गर्म हो गया, अब मैं इसके अंदर कीमा डालता हूँ। बिस्मिल्लाह, और साथ ही मैं तमाम मसाले और दही भी डालता हूँ। बिस्मिल्लाह, ये तमाम मसाले, बिस्मिल्लाह, नमक, जीरा, अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी, गरम मसाला, लाल मिर्च, अब इसको हम अच्छी तरह मिक्स करते हैं। इसको अच्छी तरह जो है मिक्स कर देते हैं सब को। यहाँ मैं जो है थोड़ा सा इसके अंदर तेल डालूंगा, उसका फायदा यह है कि हमारा जो कीमा है वो मिक्स नहीं होगा इसमें। एक मैं थोड़ा सा तेल इसमें ऐड कर दूँ। जी ये देखिए हमारा सब कुछ जो है मैंने मिक्स कर दिया, अब मैं इसके अंदर प्याज ऐड करता हूँ। ये और इसको हम अच्छी तरह मिक्स करके इसके ऊपर दम देके 10 मिनट के लिए मैं इसको पकाता हूँ। और ये जो है कीमा भी अपना पानी छोड़ेगा और प्याज भी अपना पानी छोड़ेंगे तो ये उसके अंदर ही जो है मिक्स हो जाएगा, ये कीमा जो है वो पक जाएगा। अब मैं इसके ऊपर जो है 10 मिनट के लिए ढक्कन दे के इसको रख देता हूँ। जी ये देखिए मैंने इसके ऊपर ढक्कन दे दिया और 10 मिनट जो है हम इसको पकाते हैं। जी ये देखिए मैंने 10 मिनट के लिए जो है इसको पका लिया है, पानी जो हमारा खुश्क हो गया। अब मैं इसके अंदर तेल ऐड करता हूँ। देखिए बिस्मिल्लाह, मैंने इसके अंदर तेल ऐड कर दिया है और इसको मिक्स करता हूँ। और यहाँ साथ ही मैं जो है वो आलू ऐड करूँगा और बाकी चीज़ें जो है वो ऐड करता हूँ। मैंने आलू ऐड कर दिए और इसको जो है पकाते मैं दम देता हूँ इसके ऊपर 5 मिनट के लिए ताकि हमारे आलू वगैरह जो है वो अच्छी तरह गल जाए। ये देखिए मैंने अच्छी तरह मिक्स कर दिया, अब मैं इसके ऊपर 5 मिनट के दम देता हूँ। ये आग को मैंने कम कर दिया है, लो फ्लेम पे रख के इसको 5 मिनट के लिए पकाते हैं। जी ये
देखिए तेल हमारा ऊपर आ गया, मैंने इसको 5 मिनट के लिए कम दिया था। और मैंने एक बात याद रखी, इसमें थोड़ा सा पानी डाला था क्योंकि मैंने आलू डाले थे, तो थोड़ा सा पानी डाला था, तो उससे हमारे आलू जो हैं ये देखें ये गल गए हैं। तो अब मैं इसके अंदर जो है पुदीना ऐड करता हूँ इसमें, और साथ ही मैं सब्ज मिर्चें जो है वो ऐड करता हूँ, और ये अदरक जो है वो मैं इसके अंदर डालता हूँ, मैंने बारीक बारीक काट लिया, और साथ ही मैं धनिया ऐड कर देता हूँ इसमें, और इन सब को मैं 2 से 3 मिनट के लिए मिक्स करके दम देता हूँ। उसका क्या है कि इससे हमारा कीमा जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी और जायकेदार बनेगा। आप चिकन का लें, मटन का लें, बीफ का लें, तो आप मेरी रेसिपी के मुताबिक ज़रूर ट्राई कीजिएगा, तो इंशाल्लाह ताला आपको ये जो है मेरी रेसिपी आलू कीमे की पसंद आएगी। मैंने ये मटन का कीमा लिया है, अब मैं इसको 2 मिनट के लिए जो है वो दम देता हूँ, उसके बाद इसको डिश आउट करूँगा। जी मैंने इसको 2 मिनट के लिए दम दिया था, ये देखिए हमारा कीमा जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त बना है। ये देखिए अदरक, धनिया और पुदीना जो है, पुदीने की वजह से इसकी खुशबू जो है वो बहुत प्यारी आ रही है। तो जी दोस्तों आप इसको डिश आउट करते हैं। जी मैंने ये थोड़ा सा अदरक रखा था गार्निश के लिए मिश, और ये धनिया थोड़ी सी रखी थी गार्निश के लिए। जी ये देखें, आप इसको नान के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, परोठे के साथ खाएं, तो ये बहुत ही टेस्टी बना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर करें। तो दुआओं में याद रखें, तो मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।